असलम जी सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंस्पायरेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड द कम्यूनिटीज़ दैट वी कैन जॉइन ताकि हम अपने फ़ोटोशॉप के स्किल्स को मजीद इन्हांस कर सकें uh, तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ रिसोर्स uh, शेयर करना पसंद करूँगा Uh, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है दैट इज़ क्रिएट डॉट अडोबी डॉट कॉम दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑफर्ड बाई अडोबी और यहाँ पे डिफरेंट कम्यूनिटी मेम्बर्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अपनी शेयर करते हैं इंटरेस्टिंग इंस्पायरेशनल कॉन्टेंट शेयर करते हैं यूजफुल कॉन्टेंट शेयर करते हैं जो कि हम उसमें डिफरेंट टूल्स के हवाले से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीख सकते हैं सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और रिसेंटली जो हमने जिप्स क्रिएट की थी और जो हमने एक्शंस को अप्लाई किया था सो दोज़ फाइल्स एंड दोज़ कंटेंट वर आल्सो टेकन फ्रॉम दिस अडॉबी क्रिएट प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको फ्री फ़ोटोशॉप एक्शंस ही नज़र आ रहे हैं और ये एक ओरिजिनल इमेज है और इसके ऊपर कुछ फ़ोटोशॉप एक्शंस को अप्लाई किया गया है जो कि प्री आप इस आर्टिकल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपनी इमेज पे अप्लाई करके कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आप लोग गेट कर सकते हैं और इसके अलावा जी Uh, कुछ और मज़ीद इंटरेस्टिंग हमारे पास आर्टिकल्स uh, हैं जैसा कि द विजुअल वकीबलरी ऑफ हुसैन मुसावी ठीक है तो ये हुसैन मुसावी को ये अपना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विजुअल वकीबलरी कोई फोटोग्राफी इंस्पायरेशनल आर्टिकल है ठीक है जी तो फोटोशॉप के हवाले से इलस्ट्रेटर के हवाले से और बाकी जो टूल्स अडोबी ऑफर करता है उसके हवाले से आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और लर्निंग प्लेटफॉर्म है एक यूट्यूब चैनल है कॉल्ड फ्लर्न uh, तो इस चैनल पे आके आप फ़ोटोशॉप को एक्सटेंसिवली सीख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी और फ़ोटोशॉप और लाइट के हवाले से फ़ोटो एडिटिंग और कंपोजिट्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो फॉलो दिस चैनल ठीक है जी इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं दैट इज़ पिगज ए इम्परफेक्ट Uh, तो अगर आप मजीद फोटोशॉप को एक्सटेंसिवली यूज़ करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली फ़ोटो एडिटिंग एंड द कम्पोजिट्स तो आप इस चैनल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं ठीक है इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एंड दैट इज़ द डॉबी मैक्स ऑन डिमांड सेशनस सो आप गूगल में जाके लिखें डॉबी मैक्स 2019 या 2018 और आप प्रीवियस जो डॉबी मैक्स के इवेंट्स हैं आप उस पर भी जा सकते हैं और उसके आगे, आगे आप लिखें जी ऑन डिमांड सेशंस तो 2019 के जो ऑन डिमांड सेशंस हैं यहाँ से जाके आप इस लिंक को ओपन करें एंड दैट इज़ डॉबी मैक्स डॉट कॉम सेशन्स मैक्स ऑनलाइन ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ ये वाले सेशंस मिलेंगे की नोट्स एंड द कॉन्फ्रेंस सेशंस और यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा स्क्रोल करें मैं फोटोशॉप यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ठीक है तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग इमेजिंग तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेशंस मिलेंगे जैसा कि फ़ोटोशॉप के हवाले से यहाँ पे कोई सेशन देखते हैं जैसा कि ऑटोमेटिंग इन फोटोशॉप टिप्स फॉर वर्किंग फास्ट एंड मोर एफिशिएंट ठीक है तो इसमें क्या टिप्स हैं एक घंटे अठारह मिनट का सेशन है तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिंग फोटोशॉप कंपोजिट्स बहुत बेसिक लेवल पे हम लोगों ने अपने इस कोर्स के अंदर कंपोजिट्स को कवर किया है उसकी क्या बेसिक्स हैं आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है मज़दी अगर आप कंपोज़िट्स के हवाले से चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये डॉबी मक्स के सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं इसके अलावा फ्लर्न और पिगज इम्परफेक्ट इन दोनों यूट्यूब चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप मज़ीद कंपोजिट्स को सीखना चाहते हैं बिकॉज़ ये इतना वाइड टॉपिक है कि This is not going to be covered in this kind of a crash course. ठीक है? तो यहाँ पे आपको बड़े interesting topics मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो भी interesting uh, category है, आप उसको choose करें and look for the topic you want to learn from और उसको यहाँ से click करके and listen to the persons. ठीक है? अब यहाँ से मैं Photoshop भी लिख के फ़ोटोशॉप सेशंस को भी सर्च कर सकता हूँ जैसा कि जो फोटोशॉप से रिलेटेड हैं क्रिएटिंग अ स्टोरी टेलिंग कम्पोजिट क्रिएटिंग फ़ोटोशॉप कंपोजिट्स वेर एवर यू आर क्रिएटिंग योर बेस्ट वर्क ट्रेनिंग योर आइज टू एडिट ठीक है uh, are, work, edit, तो यहाँ पे फोटोशॉप के हवाले से बहुत ज़्यादा सेशंस अवेलेबल हैं एंड आई पर्सनली लर्न अलाट ऑफ थिंग्स फ्राम देस ऑनलाइन सेशंस ऑफर्ड बाय डॉबी मेक्स ठीक है जी सो so, ये सेशंस भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हैं और इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड दैट इज़ द क्रिएटिव चैलेंज अगर आपके पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं फोटोशॉप के नाउ यू हैव लर्नड कि छोटे मोटे कंपोजिट्स कैसे बनाए जाते हैं सिलेक्शन कैसे की जाती है डिफरेंट टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है सो यू कैन टेक पार्ट इन दिस क्रिएटिव चैलेंजेस ठीक है सो राइट नाओ जे जो मैं रिकॉर्ड करूँ इस लेसन को तो राइट नाओ देर इज़ रनिंग क्रिएटिव चैलेंज जो कि ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को स्टार्ट हुआ था और ये चलेगा जी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर तक ठीक है तो रोज़ एक नया चैलेंज यहाँ पर अनलॉक किया जाएगा तो अगर मैं एक इस चैलेंज uh, uh, की बात करूँ दैट इज़ इथीरियल ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे थोड़ी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी कि इस चैलेंज में एक्चुअली है क्या सो ऐड अ ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट मेक इट लुक गोस्ट लाइक एंड एथीरियल ठीक है जी uh, तो यहाँ पे अगर वॉच वीडियो पे क्लिक करें तो आपको uh, एक एक्सपर्ट स्टूडियो uh, में बैठ के गाइड करेगा कि हाउ टू एक्चुअली प्ले विद द इमेज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू और अगर मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये लिंक ओपन हो रहा है और यहाँ से मैं इस पी फाइल को ओपन कर सकता हूँ ताकि मैं इस सेशन को फॉलो करके इस पी फाइल को एडिट कर सकूँ ठीक है so, सो अगर आप मज़ीद चीज़ें सीखना चाहते हैं डेप्थ के अंदर तो ये क्रिएटिव चैलेंजेस भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनको फॉलो करना तो इट्स वेरी इज़ी टू फॉलो देम जस्ट टेक द चैलेंज और उसके बाद किसी भी चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले उसकी वीडियो देख लें और जो भी आ, आपके पास एक सैम्पल फाइल है उसको डाउनलोड करें उस पर चीज़ें अप्लाई करें उसके बाद इस सेशन में सबमिट करने से पहले दे विल गाइड यू टैट हाउ टू सबमिट योर वर्क फॉर दिस चैलेंज तो सबमिट करने से पहले आप एग्जैक्टली यही वर्क भी सबमिट कर सकते हैं इसके अलावा आप अपनी कोई और इमेज लेके उसके ऊपर भी इन प्रैक्टिस को अप्लाई करके और उसके बाद उस काम को भी सबमिट किया जा सकता है तो इन चैलेंज़स का फ़ायदा ये है कि Uh, इस चैलेंज के अंदर दे विल अलाउ यू टू तो अपलोड यूर चैलेंजेस ऑन योर बिहानस प्रोफाइल ठीक है और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल तीन चार चैलेंजेस लेते हैं और आप डेडिकेटेडली उस पर सबमिशन करते हैं तो नाउ यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ लॉट ऑफ इमेज कंपोजिट्स जो कि कल को आप किसी क्लाइंट को दिखा के एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आप विन कर सकते हैं ठीक है तो इन चैलेंज़ में पार्टिसिपेट करने का ये भी फ़ायदा है सो so, इसके अलावा आप इसी तरह से अडोबी इलस्ट्रेटर के क्रिएटिव चैलेंज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपल राइट आ, डेली क्रिएटिव चैलेंज इलस्ट्रेटर इस लिंक ओपन करें और यहाँ पे आपको इलस्ट्रेटर से रिलेटेड भी डिफरेंट चैलेंजेस नज़र आएंगे ठीक है जी तो आप इसमें भी अपना जो पार्ट है वो प्ले कर सकते हैं